हेलो एवरीवन, आप लोग को जो प्रैक्टिकल का एक क्वेश्चन है, जो कि आप लोग का सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, उसमें आप लोग का क्या 3D मॉडल्स की सहायता से विभिन्न प्रकार के नदियों, या तो फिर आप लोग का भूजल, या तो फिर आप लोग का क्या ग्लेशियर, या तो फिर जो आप लोग का बर्फ, जिसके द्वारा जो भी आकृति बनाई जाती है, संरचनाएं बनाई जाती है, तो इसके बारे में क्या करना है, अध्ययन करने के बारे में। तो इसमें आप लोग का बनाना कैसे है, लिखना कैसे है, वो देख लीजिए, ठीक है। तो 3D मॉडल की सहायता से सबसे पहले तो आप लोग को क्या लिखना है, आप लोग का ऑब्जेक्टिव लिखना है। उसमें लिखना है 3D मॉडल की सहायता से नदी द्वारा निर्मित विभिन्न आकृतियों, या तो फिर इसको बोल सकते हो संरचनाओं का अध्ययन करना, ठीक। तो जैसे आप लोग नदी के बारे में बताएंगे तो, और जब सेकंड आप लोग क्या जो अंडरग्राउंड वाटर, या तो आप लोग का भूमिगत जो जल है, तो उसके बारे में जब आप लोग लिखोगे तो यहाँ आप लोग का नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ आ जाएगा आप लोग का 3D मॉडल की सहायता से भूमिगत जल द्वारा निर्मित विभिन्न संरचनाओं का अध्ययन करना, ये हो गया आप लोग का ऑब्जेक्टिव, ठीक। उसके बाद में आप लोग का जो 3D मॉडल जिसे आप लोगों ने बनाया है, कैसे जिस प्रकार से आप लोग जो अपना गूगल में सर्च करके जो भी आप लोग 3D डायग्राम बनाए हो इस प्रकार से, ठीक है, जो भी आप लोग बनाए हो, ठीक। तो उसके बारे में यहाँ डिटेल लिखना है। तो जैसे ये मेरा डायग्राम हो गया, तो अब उसके बाद में यहाँ ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद में सेकंड चीज क्या लिखना है, स्ट्रक्चर्स, या तो फिर इसी को बोल सकते हैं आप लोग हिंदी में संरचनाएं, ठीक। तो आप लोगों ने अपने 3D मॉडल्स में जितने भी प्रकार की संरचनाएं बनाई हैं, यहाँ लिखी हैं, जैसे कि ये मेरा क्या हो गया, नदी हो गया। तो यहाँ पर जो भी मेरा संरचना बना हुआ है, जैसे ये मेरा हो गया मेंडरिंग, मेंडरिंग रिवर, ठीक। तो ये मेरा एक संरचना हो गया। अब उसके बाद में लिखा था मैं क्या, प्लेन, या तो फिर हाँ प्लेन हो गया। उसके बाद में ये मेरा हो गया क्या, नेचुरल लीवी, नेचुरल, ठीक, एल है। उसके बाद में आ गया मेरा नेचुरल लीवी, ठीक। तो अब जैसे मैंने और भी बहुत सारे आप लोग के क्या आएंगे, संरचनाएं आएंगी, तो मैं तो बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो जो भी आप लोग का संरचना जो है, उसके बारे में यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे, ठीक। तो कौन कौन सा आप लोग के 3D डायग्राम में उपस्थित है, मैं आएगा मेंडरिंग रिवर, उसके बाद में मेरे को संरचना क्या मिला था, प्लेन मिला था, ठीक। उसके बाद क्या मिला था मेरे को, नेचुरल लीवी मिला था, ठीक। उसके बाद क्या मिला था मेरे को, और यह मान के चलो आप लोग का क्या है, छोटे छोटे पॉट होल हैं, ठीक। और भी बहुत सारे हैं, ठीक। जितने आप लोग के संरचनाएं लिखेंगी मिलेंगी, जितना आप लोग का, ठीक, जितना ज्यादा जो अच्छे से लिखेगा उसको उतना ही अच्छा मार्क्स मिलेगा, थोड़ा मेहनत दिखेगा तो, ठीक। तो जैसे अब उसके बाद में यहाँ लिखना क्या है, ये दिक्कत था। तो स्ट्रक्चर लिख लिए, यहाँ लिखें क्या, मेंडरिंग रिवर, ठीक। तो ये मेंडरिंग रिवर क्या होता है, मेंडरिंग रिवर नदी के द्वारा बना हुआ एक क्या है, संरचना है। कब निर्मित होता है, बस इतना बताना है, ठीक। क्या बताना है यहाँ पर, मेंडरिंग नदी का निर्माण क्या होता है, नदी के, देखो नदी अपने रास्ते में दो प्रकार से संरचनाओं का निर्माण करता है। पहला देख लो यहाँ कैसे, नदी अपने बहते हुए जल के प्रवाह के कारण में क्या करता है, सामने आने जो सामने में जो भी इसके पत्थर आते हैं उसको क्या करते जाता है, काटते जाता है, या तो फिर उसका क्या करते जाता है, अपरदन करते जाता है, ठीक, उसका वेदरिंग इरोजन करते जाता है, ठीक है। तो जिसके कारण कि यहाँ आप लोग का क्या बन जाता है, संरचना बन जाता है। जैसे कि आप लोग का क्या बन जाता है, यहाँ मान के चलो एक जलप्रपात बन गया, वाटरफॉल बन गया, ठीक। जैसे यहाँ पर और आप लोग का एक आ गया वाटरफॉल, क्या संरचना आ गया आप लोग का, एक वाटरफॉल और आ गया संरचना। इसी प्रकार से आप लोग का बहुत सारा संरचना मिलता है नदी में, तो उसमें से एक क्या है, वाटरफॉल। तो आप लोग का जो नदी है वो दो स्थितियों में संरचनाओं का निर्माण करता है। सबसे पहला तो किसके द्वारा, वो पानी के बहाव के कारण में, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इरोजनल फीचर, इरोजनल फीचर्स, या तो इरोजनल स्ट्रक्चर्स, ठीक, इरोजनल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, ठीक। ये पानी के प्रवाह के द्वारा बनता है, ठीक। जैसे आप लोग का नदी जो बह रहा है वो अपने साथ क्या करेगा,
काटते हुए जाएगा और विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करते जाता है। ठीक, और दूसरा क्या आता है हम लोग का, कैसे संरचना का निर्माण होता है, जब नदी क्या होता है अपने साथ में छोटे छोटे शैलों के टुकड़ों को लेकर के जाता है, तो जब ये क्या कर देता है, इन्हीं शैलों के टुकड़ों को कहीं पर निक्षेपित कर देता है, कहीं निक्षेपित कर दिया किसी जगह पर, तब भी हम लोग का किसी प्रकार के संरचना का निर्माण हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे जो नदी के क्या होता है, निक्षेपण के द्वारा, या तो फिर इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, डिपोजिशन, निक्षेपण को ही क्या बोलते हैं हम लोग, डिपोजिशन, निक्षेपण, और इसको बोलते हैं अपरदन, अपरदन। ठीक, हाँ ठीक। तो नदी के द्वारा दो विधियों से हम लोग का क्या होता है, संरचनाओं का निर्माण होता है, इरोजन के द्वारा और डिपोजिशन के द्वारा। ये जितना है, अगर आप लोग क्या यूनिट 3, 4 और 5 जो आप लोग का पेपर 1 है, यूनिट 3, 4 और 5 अगर इसमें जितना भी अगर आप लोग का दिया हुआ है, जैसे नदी के भूवैज्ञानिक कार्य, हवा के भूवैज्ञानिक कार्य, भूमिगत जल के भूवैज्ञानिक कार्य, ठीक है, अगर इनको पढ़ते हो तो आप लोग को ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, ये एग्जाम में आप लोग का क्वेश्चन आया भी हुआ है और ये जो आप लोग का आंसर लिखना है वहीं से लिखना है, तो आप लोग को बस थोड़ा सा मेहनत करना है, खोजना है कैसे। अब मेरे को यहाँ मेंड्रिंग रिवर मेरा संरचना है मेरे 3D मॉडल में, तो इसका क्या लिखना है मेरा, यहाँ आप लोग लिखोगे कि मेंड्रिंग नदी का निर्माण, जो आप लोग का मेंड्रिंग रिवर का निर्माण, ठीक, कैसे होता है आप लोग का, नदी जब अपने साथ में जो अवसाद लेकर के जाती है, छोटे छोटे शैलों के टुकड़ों, जब इनको क्या कर देती है, निक्षेपित कर देती है, तो निक्षेपित करने के कारण में उसका आगे का ब्लॉक, आगे का रास्ता क्या हो जाता है। अब देखो नदी ये प्रवाहित हो रहा है, अब यहां पर क्या कर दिया, नदी बहुत सारा अवसाद क्या कर दिया, निक्षेपित कर दिया, अब नदी का रास्ता क्या हो गया, ब्लॉक कर हो गया, अब ब्लॉक हो जाएगा तो नदी अपना रास्ता क्या कर लेगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंज कर लेगा, तो नदी का क्या होता है, इस प्रकार से मुड़ने का जो घटना होता है, इसी को क्या कहा जाता है, मेंड्रिंग कहा जाता है। ठीक, नदी का क्या होना कहलाता है, नदी का मेंड्रिंग कहलाता है। ठीक, तो इसका निर्माण कैसे हुआ, हम लोग का निक्षेपण के द्वारा हुआ है, तो यहाँ आप लोग को सीधे सीधे लिखना है कि किसी मेंड्रिंग रिवर का निर्माण जो है दिए गए 3D डायग्राम में निक्षेपण के द्वारा क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ आगे गया आप लोग का क्या, प्लेन के बारे में, तो प्लेन क्या होता है आप लोग का, जो मैदानी इलाका, जैसे अचानक से क्या हुआ, नदी में बाढ़ आएगा, बाढ़ आएगा तो क्या होगा, बहुत सारे अवसाद क्या हो जाएंगे, पूरे तरीके से फैल जाएंगे। ठीक, फैल जाएंगे तो अब ये क्या हो जाएंगे, एक उपजाऊ भूमि का निर्माण कर लेंगे, तो इसी को हम लोग का क्या होता है आप लोग का, एक प्लेन कहते हैं। तो इसका प्लेन का निर्माण भी कैसे हुआ, निक्षेपण के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ लिख लोगे कि इस प्लेन का निर्माण दिए गए 3D मॉडल में, हमारा जो प्लेन है इसका निर्माण जो है नदी के निक्षेपण के द्वारा हुआ है। ठीक, उसके बाद में नेचुरल लीवी, ये क्या होता है हम लोग का, नदी के किनारे किनारे जो आप लोग का मेड रूपी संरचना बन जाता है, थोड़ा सा ऊंचा हुआ, उठा हुआ, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, नेचुरल लीवी। तो इसका निर्माण भी किसके द्वारा होता है आप लोग का, निक्षेपण के द्वारा। अब देखो आप आता है आप लोग का पोर्ट होल, तो पोर्ट होल क्या होता है आप लोग का, पानी बह रहा है तो जब ये किसी रॉक में जाता है, तो यहाँ पर जो अपने छोटे छोटे सैलों के टुकड़ों को बहा करके लेते जाता है, तो ये सैल को क्या करते हैं, काटते जाते हैं, काटते जाते हैं और क्या कर लेते हैं, बहुत गड्ढे बना लेते हैं। ठीक, जो आप लोग के अमृत धारा वाटरफॉल में जो गड्ढे बने हुए हैं बड़े बड़े ऊपर में, वो, तो इसका निर्माण कैसे हो गया, अब नदी के किसके द्वारा, अपरदन के द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग का क्या आ जाएगा, नदी के इरोजन के द्वारा। उसके बाद आप लोग का आता है वाटरफॉल, तो वाटरफॉल का निर्माण भी किसके द्वारा होता है, इरोजन के द्वारा होता है, या तो फिर अपरदन के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से आप लोग का जितना भी आप लोग क्या कर सकते हो, 3D मॉडल में आप लोग क्या जितना भी संरचना लिखे हो, तो उसके बारे में बताना है कि उसका निर्माण जो है किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, वो अपरदन के द्वारा हुआ है या तो फिर निक्षेपण के द्वारा हुआ है, सेम सब में आएगा। आप लोग का जो, आप लोग का जो भूमिगत जल हो गया या तो हिमनद जो हो गया, तो सबके द्वारा दो ही प्रकार से संरचनाओं का निर्माण किया जाता है, अपरदन और निक्षेपण के द्वारा। तो जो भी आप लोग संरचनाएं लिखे हैं आप लोग का डायग्राम में, तो उसको आप लोग को बताना है कि उसका निर्माण जो है निक्षेपण के द्वारा हुआ है या अपरदन के द्वारा हुआ है। समझ में आ गया? ठीक, तो सर्च कर लेना गूगल में अच्छे से, क्या सर्च करोगे,